हे गाइस, दिस इज मोहित कुमार कश्यप और आप हमारी सभी वीडियोस अब अनअकैडमी पर भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। हे गाइस, दिस इज मोहित कुमार कश्यप एंड यू आर वॉचिंग गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ जीके की इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हिंदी में। बिल्कुल इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, क्योंकि इसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको भारत के राष्ट्रपति को याद रखने की ट्रिक, कुछ ऐसे राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति भी रहे उसको याद करने की ट्रिक, और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं उनको याद रखने की आसान ट्रिक्स यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। और बिल्कुल एक जरूरी डेफिनेटली सी बात हो जाती है, अगर ऐसी ट्रिक्स याद है तो आपका पेपर फिर सेकंड ओवर सॉल्व हो जाएगा, फिर आपको वो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि इसका आंसर क्या है या क्या होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इस तरह की ट्रिक्स आप याद करके चलेंगे, अपने जो तैयारी है उसमें इस तरह की ट्रिक्स का कलेक्शन रख कर चलेंगे, तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी जो फर्स्ट ट्रिक आ रही है वो है भारत के राष्ट्रपति। और भारत के राष्ट्रपति और उनके आने का जो क्रम रहा है वो कुछ किस प्रकार का रहा है तो वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो जो हमारी जीके की ट्रिक है वो है कि राजू की राधा जाकर गिरी फकरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमा शंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव की। ठीक है, तो क्या है, राजू की राधा जाकर गिरी फकरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमा शंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव की। तो थोड़ी सी लंबी ट्रिक है, लेकिन अगर एक दो बार से आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगी। तो यहां पर राजू से मतलब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है राधा, राधा से मतलब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकर मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन, गिरी बारागिरी वेंकटगिरी। ठीक है, फकरुद्दीन फकरुद्दीन अली अहमद, रेड्डी का मतलब नीलम संजीवा रेड्डी, जेल का मतलब ज्ञानी जेल सिंह, रमा का मतलब रमा शंकर वेंकट रमन, शंकर का मतलब डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, नारायण का मतलब के आर नारायण, कलम का मतलब डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम, प्रतिभा का मतलब प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और प्रणव का मतलब प्रणव मुखर्जी। ठीक है, और अब याद रखेंगे रामनाथ कोविंद जो भारत के राष्ट्रपति हैं, तो वो भी आप इसमें जोड़ सकते हैं प्रणव की राम। ठीक है, रामनाथ कोविंद। तो ये है ट्रिक कि राजू की राधा जाकर गिरी फकरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमा शंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव की। क्लियर, तो याद करके करने की कोशिश करना, मैं नहीं मानता कि नहीं हो पाएगी, बिल्कुल हो पाएगी और आपको ये क्रम भी याद रहेगा। चलिए दूसरी ट्रिक देख लेते हैं। दूसरी ट्रिक है, और ये ट्रिक है कि जो उपराष्ट्रपति रहे, ठीक है, राष्ट्रपति बनने से पहले वो रहे हैं उपराष्ट्रपति, उनको याद करने की ट्रिक है। तो क्या है कि राधा वीवी के संग आजा, राधा वीवी के संग आजा, तो राधा से बना सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वीवी से बना वीवी गिरी। ठीक है, के का मतलब के आर नारायण, संघ का मतलब शंकर दयाल शर्मा, आ का मतलब आर वेंकट रमन, जा का मतलब जाकिर हुसैन। ये तो निश्चित रूप से बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल ट्रिक हो जाती है, क्योंकि ये आप बहुत आसानी से याद कर पाएंगे अगर वैसे नाम रखेंगे, या तो वो मैं नहीं मानता कि आप याद रख पाएंगे। तो ट्रिक क्या है कि राधा वीवी के संग आजा, राधा वीवी के संग आजा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वीवी गिरी, के आर नारायण, शंकर दयाल शर्मा और आर वेंकट रमन, जाकिर हुसैन, और वो राष्ट्रपति जो कि उपराष्ट्रपति रहे। क्लियर है गाइस? चलिए चलते हैं अपनी थर्ड ट्रिक, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है, और ये है प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप संविधान समिति थी, संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, ठीक है, उसके अध्यक्ष, और उनको याद करने की ट्रिक है कि अंबेडकर आए मित्र मुंशी कृष्णा के साथ खेत पर, अंबेडकर आए मित्र मुंशी कृष्णा के साथ खेत पर। तो अंबेडकर से बना भीमराव अंबेडकर, आए से मतलब एनजी आयंगर, मित्र से बना बीएल मित्रा, मुंशी से बना केएम मुंशी, कृष्णा से बना कृष्णा स्वामी आयंगर, साथ का मतलब सैयद मोहम्मद सदुल्ला, और खेत का मतलब डीपी खेतान। ठीक है, तो कौन कौन है, अंबेडकर भीमराव अंबेडकर एनजी आयंगर बीएल मित्रा केएम मुंशी कृष्णा स्वामी आयंगर सैयद मोहम्मद सदुल्ला और डीपी खेतान। ट्रिक है अंबेडकर आए मित्र मुंशी कृष्णा के साथ खेत पर, प्रारूप समिति के अध्यक्ष को याद रखने की एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग ट्रिक।
ठीक है गाइस। तो गाइस यहां पर हमने तीन ट्रिक याद की और तीनों की तीनों बेनिफिशियल ट्रिक हैं और संविधान कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ट्रिक हैं जो कि हमारा पॉलिटी का पार्ट है। ठीक है, और क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि अगर ऐसी ऐसी ट्रिक्स अगर आप अपने कलेक्शन में रखेंगे तो निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि आपकी जीके की जो प्रॉब्लम है पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह की ट्रिक याद करके चले, जैसे जैसे मेरे को और ट्रिक मिलती रहेंगी बनाता रहूंगा मैं, ठीक है, वो भी आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो अभी तक के लिए बस यही तीन ट्रिक थी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।